देखिए ये फैक्ट्री के सामने की तरफ का मकान है। ये हमारे साथ विधायक दोगने जी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वो यहाँ पर खुद रेस्क्यू टीम की मदद कर रहे हैं। हरदा के विधायक है रामकिशोर दोगने, हम उनसे ही पूछते हैं। आप लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बचाने के लिए लगे हुए, क्या लग रहा है कितने लोग होंगे? और अभी देखिए मैं अस्पताल से यहाँ आया हूँ। अस्पताल में मैंने अभी आधे घंटे पहले अस्पताल में 200 लोग एडमिट हुए थे, जिसमें 50-60 को रिफर किया गया है और 9-10 बाड़ियां थी। और इस तरह से यहाँ पे भी अभी बाड़ियां निकल रही है। तलघर एक गिरा हुआ, तलघर के नीचे लोग थे, उसका भी पता नहीं लग रहा है। उसके लिए आए, रेस्क्यू देख रहे हैं। अभी हालत 2 एकड़ में गोडाउन बना हुआ था, यहाँ करीब लंबे काफी लोग काम करते थे, उसमें से 100-150 होंगे ऐसा लग रहा है। पर उसमें कितने भाग पाए क्या है वो समस्या थोड़ा समझ रहे हैं हम लोग कि कहाँ क्या हुआ है। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि, आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ रोज आते होंगे? आपके यहाँ सूचना तो आई होगी। देखिए यहाँ का हम लोगों को जहाँ तक सूचना है कि एक शिफ्ट में 150 लोग काम करते थे, दो तीन शिफ्ट चलती थी, 400-500 लोगों का वो रहता था। और 150 लोगों का मिनिमम का वो स्टाफ था यहाँ पे जो एक टाइम काम करता था, वो 150 लोग तो होंगे ही ना। हम अभी कितने लोग दबे होंगे इस मलबे में, क्या शंका लग रहा है? ये शंका वो काम करने वाले लोगों की शंका है कि अंदर अगर मलबा वो पूरा एक साथ बैठ गया होगा और अंदर काम कर रहे होंगे तो वो शंका जा रही है। और कुछ बाड़ियां अभी निकल रही हैं, 2-3 बाड़ियां निकली है पूरी जली हुई है अंदर से, तो इस तरह की बाड़ियां और हो सकती हैं। इसके अलावा अस्पताल में जो भर्ती है वो भी कुछ लोग रोड से चलने वाले भर्ती हैं, आजू बाजू मकान वाले भर्ती हैं, इन लोगों को घायल हो गए हैं। तो इस तरह से जो मलबा उड़ा उससे विस्फोट अभी तक कितनी मौतें हुई है, क्या लग रहा है? अभी तक 9-10 मौतें तो हो गई हैं और भी निकलते जा रही बाड़ी, तो आगे घटना क्या हो वो देख रहे हैं। 10-15 बाड़ी का तो अंदाज है अभी की, उतनी तो निकल चुकी है। आपने सवाल भी उठाया कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका, प्रशासन लापरवाह रहा, इसको मंजूरी देता रहा, क्या लगता है? बिल्कुल 100% प्रशासन की लापरवाही से ये हो रहा है। आप बताइए शहरी क्षेत्र में कैसे चला, इतना गड्ढा कैसे रखा था? ये एक महिला है, इनका नाम